नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। आज हम आम की कलम, जिसे हम स्टोन ग्राफ्टिंग, वी ग्राफ्टिंग कहते हैं, वो किस प्रकार से करनी है ये देखेंगे। इसके लिए हमें देसी आम की गुठलियों का चयन किया है हमने, जिसे हमने हल्की मिट्टी में दबाकर उगाया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुठलियाँ रखकर उस पर हल्की मिट्टी डाली है और इन्हें उगाया गया है। ये लगभग 1.5 महीना हो गया है इसे। हम इसे, ये जो कंडीशन दिख रहे, लाल पत्ते जब रहते हैं पौधे के, ये एक आइडियल समय माना जाता है ग्राफ्टिंग करने के लिए। अभी हम इसे हल्के हाथों से उखाड़ेंगे। ये उखाड़ते समय गुठली भी इसके साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो ये पौधा काम से चला जाता है। इस प्रकार से अब हम इसकी कलम कैसे बांधना है। इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है उसे इस्तेमाल से पहले स्टराइल करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर जो बैक्टीरिया रहता है उसे कट किए हुए पोर्शन पर फंगस का प्रादुर्भाव होने की शक्यता रहती है। अभी स्टराइल करने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सैनिटाइज़र है, इसलिए मैं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस प्रकार से कॉटन लेके आप इसे इस प्रकार से क्लीन कर सकते हैं। ये कटर है, इसे भी मैं इस प्रकार से सैनिटाइज, ये अगर प्रॉपरली सैनिटाइज है तो इसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है कलम का। अभी हम जो देख रहे हैं आप, इसे 3 से 4 इंच छोड़ के यहाँ से कट कर देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे। अभी सायन सिलेक्शन के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लगभग 15 दिन पहले मैंने सायन सेलेक्ट करके रखी थी और उसके पत्ते निकाले थे, तो आप यहाँ पर बर्ड्स साफ देख सकते हैं किस प्रकार से निकल आए हैं। अभी इसे वी शेप में कट करना है। ये कट किए हुए पोर्शन पे हाथ नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आखिरी तक इस प्रकार से वी शेप में कट करना है और आखिरी तक इस प्रकार से स्किन रहनी चाहिए। अब हम इस कट किए हुए पोर्शन में ये सायन फिट करेंगे। सायन बड़ी भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ये सायन इसके अंदर फिक्स करते समय एक साइड से ये जो छाल है
ये मैच करना है, तभी हमारी कलम सक्सेस होगी, नहीं तो कलम सक्सेस नहीं होगी। इस प्रकार से एक साइड से स्किन मैच कर लेना है। अभी इसे हम ग्राफ्टिंग टेप से पैक कर देंगे। मैंने 20 से 25 दिन पहले रिजल्ट बताने के लिए दो ग्राफ्टिंग करके रखी थी, उसका भी रिजल्ट आपको इसमें बता दूंगा। ये इस प्रकार से इसे कवर कर देना है ताकि इसके अंदर हवा और पानी ना जाने पाए। ग्राफ्टिंग के लिए बरसात का सीज़न बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। इसे अच्छे से कवर करना है, और ये जो ग्राफ्टिंग का टिप रहता है ये बहुत स्ट्रेचेबल रहता है, इसमें पानी ना जाने पाए, इसलिए अच्छे से इसे पैक कर लो और इस प्रकार से इसे कवर करना है। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि मैंने वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। ये भी इस प्रकार से ये सायन कवर हो गई। अभी इसे हम पॉलीथीन बैग में प्लांट करेंगे। जब पौधा अच्छे से ग्रो करने का 20 से 25 दिनों बाद यहाँ से इसे, अभी ये सेलेक्टेड सायन है इसलिए इसका रिज़ल्ट हमें जल्दी मिलेगा। अगर ये इंस्टेंट सायन रही होती तो इसमें 25 से 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन अभी आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये 15 दिन पहले मैंने, लगभग 15 से 20 दिन हो गए जब मैंने ग्राफ्टिंग किया था, ये सक्सेस हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ, ये सेलेक्टेड सायन थी और ये इंस्टेंट सायन थी। इसमें अभी हल्के से बर्ड्स निकल रहे हैं। हमें ये ग्राफ्टिंग टेप निकालने की जल्दी नहीं करनी है, ये 25-30 दिनों बाद आपको ये ऐसी पोजीशन दिखेंगी, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी जब तक नहीं होती जब तक हमें ये ग्राफ्टिंग टेप नहीं निकालना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।